सभी को नमस्कार, मैं राजकुमार विश्वकर्मा। आपको पता ही होगा कि जमुना SSCL जमुना कोतमा क्षेत्र का ये जो हामा डाड़ का परिदृश्य कुछ दिन प्रतिदिन ऐसा होता जा रहा है, जहां 26 जनवरी से लेकर के आज तक यहां पर के लोग अनशन पर हैं। और अनशन पर क्यों ना हो, क्योंकि लोगों के साथ कहीं ना कहीं पर जाति हो रही है, प्रबंधन उनकी सुन नहीं रहा है। और अभी हाल फिलहाल आज से सप्ताह भर पहले यह देखा गया कि यहाँ पर CMD साहब भी आए हुए थे, लेकिन उन्होंने भी किसी तरह की कोई बातचीत नहीं की, बल्कि यहाँ पर से उन्होंने 10 दिन का मोहलत लेते हुए और यहाँ पर से उनकी वापसी हो जाती है। आज भी यहाँ पर जो है तो काफ़ी भीड़ भाड़ का माहौल था। यहाँ पर लोग अपनी अपनी बातें रख रहे थे। यहाँ पर एक तरफ ड्राइवर यूनियंस भी थे और यहाँ करके जो लोकल पब्लिक है, तो उनसे हमने थोड़ी थोड़ी कुछ चर्चाएँ की है। और उन चर्चाओं के आधार पर जो यहाँ पर के लोगों ने बताया, उसे देखना, सुनना और समझना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। यहाँ पर प्रबंधन भी जो है, तो प्रबंधन के कुछ लोग आए हुए थे, वो अपना एक कोना पकड़ कर कहीं किनारे पर है, लेकिन इन लोगों से बात करने को तैयार थे। आखिर ऐसा क्यों है, क्योंकि एक तरफ जो प्रबंधन है और दूसरी तरफ यहाँ पर के लोकल वर्कर, मजदूर और वो जमींदार जिनकी ज़मीनें यहाँ पर प्रबंधन के तानाशाह रवैये पर फंसी हुई है। अब देखना यह कि इसका निष्कर्ष कौन निकालता है और कैसे निकलेगा। आज हाल फिलहाल यहाँ पर लोगों ने जो है तो चक्का जाम किया हुआ है और यहाँ पर प्रबंधन की यानी कि जो माइंस की गाड़ियाँ हैं उन्हें यहाँ पर रोक दिया गया है। ना कोई गाड़ी इधर से उधर जाएगी और ना किसी तरह का कोई भी काम होना है। तो चलिए यहाँ पर के लोगों से बात करते हैं और देखते हैं कि क्या बात अपनी रखना चाहते हैं। यहाँ पर हमारे साथ ड्राइवर भी है, उसके साथ यहाँ पर पब्लिक, लोकल पब्लिक भी अच्छे से। मैं भीड़ में भी कुछ दिखाऊँगा आपको वीडियो के माध्यम से कि कौन कौन है, क्या कैसा है, प्रबंधन के लोग भी हैं। इसके साथ चलिए हम आगे की ओर चलते हैं और दिखाता हूँ। पर जो है तो आज आप लोगों ने बंद का प्रदर्शन किया है, गाड़ी वगैरह इधर से उधर जा नहीं पा रही है। क्या है आप लोगों की मांगे यहाँ पर? देखिए सर, यहाँ मेन मुद्दा इन लोग SSCL वाले झूठा में झूठा, और ये जो है कोई मांग जो है तो हमने बोलते हैं कि भैया हमारा काम जो है मांग हमारा पूर्ति कर दो। तो इनले बोलते हैं कि नहीं, बिलासपुर से हुआ है बात, CMD साहब से हुआ है, 10 दिन के बाद 10 दिन पूरा हो गया, कोई सुनवाई अभी नहीं हो रहा है। तो अब आगे का क्या है आप लोगों का? आगे की ओर अब आंदोलन है, चलेगा। कितने दिन आप लोगों का चलना है अभी? ये अभी तो इसका कोई तादाद नहीं, कब तक आप लोग अनशन पे कब से बैठे हुए थे? अनशन में चल रहे सर, जनवरी 26 जनवरी से। तो अभी प्रबंधन वगैरह कोई आज कोई नहीं। हमने इनको बोलते हैं कि भाई आप लिखित दे दो, कि तू बोलते कि हम लिखित नहीं देंगे। तो लिखित में आप लोग क्या क्या लेना चाह रहे हैं? लिखित में सर कि ये कह रहे हैं कि हमारा लिखित ये दे दो कि हम नौकरी का संबंधित, मुआवजा का संबंधित, पानी का संबंधित और जो ये ब्लास्टिंग का संबंधित। और पुनर्वास वाली जो बात थी उसमें कुछ अमल हुआ अभी तक? अभी मध्य प्रदेश पुनर्वास नीति का कोई अभी संबंधित बात नहीं हुआ। 730 जो नौकरियां रहे उनके बारे में कोई अभी कोई संबंधित नहीं। आप क्या कहना चाहेंगे? सर मैं नमस्कार, मैं सोमनाथ केवट अमरनाथ से। इस OCM में सर मेरा भी जमीन गया हुआ है, जो कि 2 एकड़ के करीब जमीन था, जिसमें मेरे बड़े भाई गोकुल प्रसाद केवट नौकरी करता था। कुछ दिन पहले सर उसको नौकरी से बैठा दिया गया। नौकरी से बैठाने के बाद मैं प्राइवेट ड्यूटी करता था OCM में। जो कंपनी चल रही सद्भाव जैवी सर, इसमें मैं ड्यूटी करता था, मेरे को भगा दिया गया। ठीक है, मेरे भाई की नौकरी भी छीन ली गई और मेरे को एक कंपनी से भी भगा दिया गया। मैं जब मैनेजर साहब के पास गया, बोला सर मेरे को ड्यूटी अलाउ करवाइए, तो बोले कि ठेकेदार के पास जाइए। मैं गया और जाने के बाद मैं वहाँ पर सर मेरे को 12 घंटा ड्यूटी करवाती रही कंपनी। सिर्फ मैं बोला सर कि सर्कुलर में तो 8 घंटे की नियम आपने एग्रीमेंट किया हुआ है, फिर कैसे 12 घंटा मैं ड्यूटी करूँगा आपका। इतना कहने पर सर मेरे को कंपनी से निकाल दिया गया। अच्छा, वैसे नियम क्या है ड्यूटी करने का, कि मतलब 8 घंटे करना है या 12 घंटे करना है? यार 8 घंटा नियम है सर इसमें, ये जो सद्भाव जैवी चल रही कोई भी माइंस में भी 8 घंटे की ड्यूटी ली जाती है। जमीन के बारे में
और ये जो ज़मीनें हैं आप लोगों की यहाँ पर, तो ज़मीनों का क्या मसला अभी तक सामने जो आता रहा है कि नौकरी मुआवजा और ऐसे करके कई सारी बातें जो सामने है, उसके बारे में आप क्या कहें? जी सर, नौकरी के मामले में अपना फाइल लगवा लिए। कितने ज़मीन है? 1 एकड़ 31 डिसमिल मेरी ज़मीन है। मेरा फाइल का DL नंबर 91 है सर। आज तक मैं जितना घर में पूंजी पसारी था सब कागज़ बनवाने में खर्चा कर दिया, और मेरे फाइल 2 सालों से GM ऑफिस में पड़ी हुई है, जिसमें आज तक मेरे को किसी प्रकार से वो नहीं मिली। तो आप किस नीति के तहत जो, तो आप भी पुनर्वास नीति के आधार पर? जी सर, पुनर्वास नीति के तहत मेरे को फाइल जमा करवाया गया। तो अभी कोई सुनवाई नहीं है? कोई सुनवाई नहीं हुआ सर। प्रबंधन का क्या कहना है इस मामले में? कुछ भी, कोई जवाब ही नहीं दे रहा है सर। कोई कार्य के अधिकारी कोई सवाल जवाब कर ही नहीं रहा है। लोग भी इस अनशन में शामिल हुए हैं? आज नहीं भैया, सन 2008 से इस अनशन में शामिल हैं। क्या क्या मांगे थी आप लोगों की? मांगे क्या है, जिसकी ज़मीन है उनको योग्यता के अनुसार रोज़गार मिले, और जो प्राइवेट कर्मचारी हैं, जो जैसे नई कंपनियां आती हैं, कोई भी कंपनी यहाँ वर्क कर रही है तो 8 घंटे का काम दे, तो उनका भी रोजी रोटी चले, पलायन की स्थिति पैदा ना हो जो हो रही है, सब भूखे मरने की स्थिति में खड़े हुए हैं। वर्षों से शोषण किया जा रहा है, काफ़ी दिनों से, जिसका मतलब सीमा ही नहीं है। कोई मैनेजमेंट यहाँ ध्यान ही नहीं देता, किसी कोई मतलब ही नहीं होता, हर काम कागज़ से ही होता है, हर काम कागज़ से ही होता है, और जो ओरिजिनल चीज़ है जो सामने होते हैं, जो खदान के अंदर वर्क होता है, वो 12 ही घंटा काम चलता है। इनका पेपर वर्क हमेशा 8 घंटा चालू ही रहता है, मतलब कि कहा जाए कि सब ओके ही रहता है। ये जो 8 घंटा छोड़ करके 12 घंटा काम कराया जाता है आप लोगों से, जी तो सैलरी क्या है, मतलब 8 घंटे के हिसाब से दे रहे हैं या 12 घंटे के हिसाब से? ये 12 घंटे के हिसाब से सैलरी करते हैं सर। ये इनका प्लस कम सैलरी भी कम है, 14,000 15,000 पूरी नहीं मिल रही, प्लस 12 घंटे के हिसाब से सैलरी कम दिया जा रहा है। सैलरी जो MTK ऑफिस में चिपका हुआ है उसका पूरा स्टेटमेंट है अपने पास कि 1,041 रुपये पर डे का 8 घंटे की ड्यूटी का है ना। ये लोग 12 घंटे में भी 1,041 नहीं दे रहे हैं, जबकि सिस्टम 8 घंटे का है। सिस्टम 8 घंटे का है, 8 घंटा सर ड्यूटी होना चाहिए, 26 हाजिरी होना चाहिए, 4 रेस्ट मिलना चाहिए हमको, हमारा वेतन 1,041 रुपये होना चाहिए यहाँ। जो आज से नहीं, जब से खदान ओपन हुआ है आमाडाड़, तब से आज तक कभी हमारे लिए कोई सोचा ही नहीं, हम ड्राइवर भाइयों के लिए, हम मजदूरों के लिए। और जो इनका वर्क है, पेपर वर्किंग, मतलब इनका दिखाना सब कुछ सही है, जो ऊपर ऊपर काम होता है इनका, हर कुछ सही रहता है, लेकिन जो सामने करते हैं इसको, जो बड़े बड़े साहब आते हैं चेक करने के लिए कि क्या कैसा हो रहा है, तो आते हैं इनके सामने सेफ्टी वाले को ले दे के खर्चा करके, मतलब हिसाब किताब करके, उनसे व्यवस्था बातचीत करके सब मामले को रफा दफा कर दिया जाता है। और कॉन्ट्रैक्टर की तरफ से हमको धमकी और ठेके धमकी भी मिलता है कि आप लोग ऐसा करोगे तो मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाओगे, ये कर नहीं पाओगे, वो नहीं कर पाओगे, और वो अपने मनोबल से आज तक चला ही रहा। ये क्षेत्रीय रोजगार के लिए आप लोगों की कितनी मांगे हैं कि जैसा कि सिस्टम चला आ रहा है, आज मोजर बेयर भी आप लोगों के सामने है, पहले वादे किए गए कि हम लोकल लोगों को रोजगार देंगे, लेकिन आज धीरे धीरे वहां पर से भी हटा दिया गया। जी सर, तो अभी DBL भी यहां पर आ रही है। तो सर अभी DBL की तो ठीक है, DBL मतलब जब आएगी आएगी, DBL का वेट कर रहे हैं हम लोग, लेकिन प्रेजेंट टाइम में सर यहां पास एक कंपनी है सद्भाव, जो कंपनी हमारे साथ शोषण कर रही है काफ़ी सालों से, हम चाहते हैं कि सर इसका भी 8 घंटा हो, हमें जो शासन ने मतलब नियुक्त किया है, हमारा वेतन पेमेंट ये सब हमको मिले। बताइए आप क्या कहना चाहेंगे मामलों में, सब ये रोज़गार को लेकर के, क्षेत्रीय रोज़गार वगैरह और ये वेतन मान को लेकर के, जहाँ पर अभी ये बात सामने आई कि 8 घंटे के बजाय 12 घंटे काम लिया जाता है और पेमेंट जो है तो 8 घंटे के हिसाब से भी नहीं दी जा रही है। बात तो सही है, आज यहाँ से, आज से नहीं, आज 15-20 वर्षों से, जब से खदान यहाँ खुला है मध्य प्रदेश अनूपपुर ज़िले में, आज भी शोषण है 15 सालों से, जो चल रहा था शोषण का कार्यक्रम वो आज भी चल रहा है अभी भी। और बात रही है यहाँ 8 घंटे की ड्यूटी की, तो ये तो कभी उन लोग को मानना नहीं, कई बार आवेदन अपने यूनियन की तरफ से दे चुके हैं, जबरदस्ती 12 घंटा ड्यूटी लोग करा रहे हैं, पेमेंट है 14,000, इतने में वो 12 घंटा, जबकि कानूनन अपराध है, आए दिन इस खदान में एक्सीडेंट होते रहता है, उसका पश्चात क्या होता है कि एक्सीडेंट वाले ड्राइवर का निकाल के हॉस्पिटलों में बदल दिया जाता है, खदान में शोषण हुआ बाहर में नॉलेज होता है, डॉक्टर द्वारा मेडिकल बना करके कोई कार में एक्सीडेंट हुआ ये शो कर देते हैं,
इसी प्रकार आज ड्राइवरों का शोषण कई वर्षों से, एक वर्ष नहीं कई वर्षों से सिर्फ अनूपपुर जिले मध्य प्रदेश में ही होता है। तो इसके लिए जानकारियां कलेक्टर वगैरह को दी गई हैं? हर जगह उनको मालूम है। तो क्या कह रहे हैं लोग, इनका कुछ कहना है इन मामलों में? बस वही है, आने वाले समय में देखते हैं। देखते देखते कई वर्ष, बस कई वर्षों से देख रहे हैं, अब ये समय आ गया है कि अब आंदोलन करने की स्थिति आ चुकी है अपने अधिकार के लिए। हमारा कहना है 8 घंटा ड्यूटी, जो प्रोफेसर बना है वहाँ से शासन के अनुसार से जितना 1,100 पेमेंट होता है एक कैटेगरी का, वो मिलना चाहिए, मेडिकल प्लस मिलना चाहिए, सुरक्षा मिलनी चाहिए, और जितने लोकल वर्कर हैं उनको सबको रोजगार मिलना चाहिए, क्योंकि रोजगार इस क्षेत्र में है। अंतर यहाँ से लोग जो पलायन करते हैं, जो यहाँ तो जमीन भी लूट गई है, जमीन भी नहीं है, यहाँ तो पिताजी भी सबके रिटायर हो चुके हैं, जमीन तो छीन चुकी है, सब कुछ जा चुका है, लेकिन अभी जो बचा है वो प्राइवेट नौकरी जो बचा है थोड़ा सा, उन पर ही प्राइवेट लड़कों को गांव के जो हो रहा है, गांव के जो नज़दीक के लड़के हैं, लोकल लड़के हैं, उनको रोजगार दिया जाए, यूनियन का यही मांग है। 24 घंटे से बात, आज हम लोग संगठन के लोग यहाँ पर आए हुए, हम लोग ट्रक ड्राइवर क्लीनर श्रमिक संघ के यूनियन से जुड़े हुए मजदूर लोग हैं। यहाँ आज हम लोग 2009 से ये माइंस खुला है, 2009 से जब से ये माइंस चल रहा है सिर्फ शोषण पे चल रहा है। बड़े बड़े अधिकारी आते हैं, देखते हैं, देख करके चले जाते हैं, ये बोल करके कि अब सुधरेगा, नेक्स्ट टाइम सुधरेगा, लेकिन सुधार अभी तक नहीं हुआ। सबसे बड़ी विडम्बना की बात यह है कि यहाँ के ठेकेदार लोकल ठेकेदार होते हैं, ये बंधुआ मजदूरी कराते हैं। क्या कराते हैं? बंधुआ मजदूरी। आज 9 साल 10 सालों से जो व्यक्ति काम कर रहा है यहाँ, आज उनकी घरों की स्थिति ये हो गई है कि उनके घर में खाने के लिए भी दो टाइम का अगर अच्छा खाना अपन सोचे कि खा लें तो संभव नहीं। कारण सिर्फ ये शोषण। हम लोगों का 8 घंटे की ड्यूटी है, जहाँ ये ठेकेदार और मैनेजमेंट मिल करके 12 घंटे का काम कराती है। अब 12 घंटा काम कराने के बाद भी जहाँ हमारी सैलरी होनी चाहिए 1,023, वहाँ हमको ये 12,000 14,000 16,000 18,000, मतलब एक लिमिट है कि इनको 20,000 के अंदर सैलरी देना है। यहाँ कम से कम नहीं तो 2-3 ठेके के काम चलते हैं, इन 2-3 ठेके के कामों में कम से कम नहीं तो 200 से ज़्यादा लोग इस आमाडाड़ में अभी काम करते हैं, जिनके सेफ्टी के नाम पे, पीएफ के नाम पे, बोनस के नाम पे सब जीरो है, क्लोज है, एक पैसे का कहीं भी कोई बेनिफिट मजदूरों को नहीं मिल पाता। कारण यहाँ के लोकल ठेकेदार शोषण करते हैं, यहाँ बैठे अधिकारी जिनके ऊपर जिम्मेदारी है कि हम पूरे खदान को उस नियमों से चलाएंगे जो सेंट्रल गवर्नमेंट निर्धारित किया है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं होता इस खदान में। अभी इस खदान में 12 घंटे का काम चल रहा है, जो कहा जाए इनके सिस्टम में ही नहीं है, किसी भी खदान में 12 घंटे का काम नहीं चल सकता। दूसरी चीज, यहाँ से अगल बगल जितने खदानें हैं सब में 8 घंटे ड्यूटी है, 1,023 रुपये अभी प्रेजेंट में 8 घंटे का पेमेंट है। साल में हम लोगों को बोनस मिलता है, साल में साल बोनस जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट का होता है उस टाइप का हमारा भी बनता है। हम लोगों को 1 कैटेगरी का फैसिलिटी, जो भी ठेका मजदूर सेंट्रल गवर्नमेंट के ठेका के अंदर काम करता है उसको 1 कैटेगरी का सैलरी दिया जाता है, लेकिन आज के डेट में हम लोगों ने इस खदान में काम करते हुए आज करीब 2009 से आप जोड़ लीजिए 12-13 साल हो गए काम करते अपने को, लेकिन इन 12-13 सालों में सिवाय शोषण के और कुछ नहीं हुआ। अधिकारी कई आए, ठेकेदार कई आए, लेकिन सिर्फ शोषण हुआ हमारा, आज भी शोषण हो रहा है। 2 तारीख को हमने जा करके महाप्रबंधक सवेरिया मैनेजर को अपन ने एक आवेदन दिया, उनसे आग्रह किया कि सर आज करीब सालों से नहीं, ये करीब 3 साल से ये टेंडर चल रहा है, 3 साल से 12 घंटा काम कर रहा, हम लोग इनसे लड़ रहे हैं 2011 से कि आप इस स्थितियों को सुधारिए, लेकिन इनका कहना है कि नेक्स्ट टाइम करते करते आज पूरी स्थिति खराब हो चुकी है। ये खदान सिर्फ करप्शन पे चल रहा, भ्रष्टाचार पे चल रहा है, और इसको चलाने वाले लोग कोई और नहीं, यहीं के अधिकारी प्लस यहाँ के लोकल ठेकेदार और कुछ माने जाने लोग हैं जो हमारे जैसे मजदूरों की आवाज़ को दबा देते। कई बार हम लोगों ने प्रयास किया इनसे बात करने का, लेकिन
कुछ लोग तो ये कहते हैं आपको हम ऐसा करवा देंगे वैसा करवा देंगे, आप मजदूर हो हमारा कर क्या सकते हो। लेकिन आज हमारे पास अपने बाल बच्चों के भविष्य को सुधारने के लिए आज हमको इनके सामने लड़ने के लिए खड़ा होना पड़ा, जबकि हम लोग मजदूर हैं, काम करने वाले लोग हैं, हमारे रोजी रोटी है कि हम काम करते हैं जब तो ही हमारा पेट चलता है हमारे बाल बच्चों का। कहना चाहता हूँ यहाँ के शासन प्रशासन से कि जो स्थितियाँ आज हमारे साथ इतने सालों से हो रहा है इसको बदलने के लिए आज हमको खुद मजदूर को ही खुद आगे आना पड़ा। आज इतने दिनों से इस शोषण को देखने वाला कोई नहीं, इस खदानों में कोई नहीं देख रहा है यहाँ क्या हो रहा है। जमीन ले ले रहे हैं, जमीन लेने के बाद नौकरी नहीं दे रहे, नौकरी न देने के साथ साथ नौकरी न देने के साथ साथ सबसे बड़ी चीज कि यहाँ के ये लोकल ठेकेदार लोकल लोग ही शोषण कर रहे हैं और कोई नहीं, मैनेजमेंट शोषण कर रहा। यहाँ के सारे लोग मजदूरों को एकदम खून चूस रहे हैं। सर मैं यहाँ 2 साल चला रहा हूँ गाड़ी, इसी की कंपनी में चलाया हूँ गाड़ी, तो मेरे को 12,000 में मतलब 12 घंटा चलवा रहा था, तो मैं कुसाइनी पड़ा चला गया रायगढ़। इसके बाद मैं जैसे यहाँ आया हूँ दोबारा काम मांगने, तो मेरे पता चला कि मैं मेरे को ड्यूटी चाहिए, तो बोला आप चला गया छोड़ के चला गया, ठीक है कोई बात नहीं, मेरे को वही पुसारी में चला गया मैं। इसके बाद दोबारा जब मैं आया हूँ इसके यहाँ, तो मेरे को बताया कि बाहरी आदमी भैया मैं बाहरी आदमी तो चल रहा है, मैं क्यों नहीं चल सकते यहाँ, तो बोला बाहरी आदमी कमीशन पा रहा है उसके यहाँ से, शुरू में लेता है जो लेता है 1,000-2,000 रुपया, उसके बाद सैलरी 2,000 उसको कटता है, ये कंडीशन है भैया। हम लोग लोकल मर रहे हैं यहाँ, अभी बाहरी चला रहा है गाड़ी, बताइए हम क्या करें। कितनी गाड़ियाँ लगभग चलती हैं यहाँ गाड़ी के? सर 40 गाड़ी करीब है, तो 40-30 गाड़ी करीब चलती होगी, 10 गाड़ी ब्रेकडाउन रहती है। लोकल लोग कितने काम कर रहे हैं? लोकल लोग जो हो गए सर, तो कम से कम मेरे को अंदाज़ा मिला कि 30-35 आदमी अपन लोग बाहर चल रहे हैं आकर, हम लोग लोकल जो बाहर हैं तो हैं है। मतलब आपके कहने के यहाँ बाहरी ज़्यादा है और लोकल लोग कम? नहीं, बाहरी लोकल ज़्यादा है, जो बाहरी जो कर रहे हैं भैया, हम लोग अभी जा रहे हैं सीधी सिंगरौली जा रहे हैं, तो हमको वहाँ से हटा दिया जा रहा है कि आप लोकल ही चला के गाड़ी यहाँ, तो हम लोग बताइए कहाँ जाएंगे भैया, और यहाँ काम दे नहीं रहा है। यह काम दे नहीं रहा भैया, हम जब भी आते हैं यहाँ बोलते हैं तो बोला गाड़ी खाली नहीं है। और जो अगला आदमी हम जिस दिन मैं आया हूँ अभी बीच में, तो अगला मैं बोला गाड़ी खाली नहीं है, तो बोला अगला ट्राई में चल रहा था यहाँ, बाहरी आदमी ट्राई में चल रहा था, बताइए कितना दुख लगता है हमको। ये कंडीशन हमारे हमारे डाट क्षेत्र के।